डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम जनरल स्टेचुटरी ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ गुड समेरिटन। आप कह रहे हो कि कंटिन्यूअसली हम पढ़ रहे हैं गुड समेरिटन, गुड समेरिटन, बट बिलीव मी, ये जो वीडियो है इसमें आपको स्पेशली बहुत मजा आने वाला है। अगर जो राइट्स दिए गए हैं उनको आप फील कर पाओगे, आपको एहसास होगा कि जो रूल्स लिखते हैं, जो लॉ बनाते हैं, वो कितनी बारीकी से, कितने माइक्रो फॉर्म में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि लॉ का मिसयूज ना हो। अगर कोई आदमी गुड फेथ में काम कर रहा है तो उसको किसी तरीके से परेशान ना किया जाए, किस तरीके से क्या लिख के उसको बचाया जा सकता है, क्या प्रोसीजर ऐड किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को हम वन बाई वन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चूँकि हम गुड समेरिटन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल उन लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जो बेसिकली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवल उन्हीं को जानना चाहिए। जितने भी रोड यूज़र्स हैं, जितने लोग भी बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सभी को इस रूल्स के बारे में जानना चाहिए। और सभी को ये जानना चाहिए कि अगर आप किसी का एक्सीडेंट के केस में हेल्प करते हो तो आपके पास क्या क्या राइट्स होता है, आपका किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, विटनेस आपको कैसे बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, हॉस्पिटल में आपके राइट्स क्या हैं, पुलिस में आपके राइट्स क्या हैं, कोर्ट में आपके राइट्स क्या हैं, इन सारे राइट्स को हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था गुड समेरिटन कौन होता है, गुड समेरिटन लॉ कैसे क्या होता है, हमको गुड समेरिटन लॉ किस तरीके से मिला, ये ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। वैसे आप सभी को पता भी होगा कि अगर आप वॉलेंटरीली एक्सीडेंट केस में किसी आदमी का हेल्प करते हो, उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हो, तो गुड फेथ में अगर आप ये कर रहे हो तो इसे हम गुड समेरिटन कह रहे हो। एक्सेप्ट देन कि आप अपने रिलेटिव का हेल्प कर रहे हो, किसी फ्रेंड का हेल्प कर रहे हो, मतलब इन जनरल अगर आप किसी का हेल्प कर रहे हो तो हम आपको गुड समेरिटन के कैटेगरी में रखते हैं, मतलब गवर्नमेंट आपको गुड समेरिटन के कैटेगरी में रखती है। किस तरीके से गुड समेरिटन का लॉ आया ये भी मैं कल बताया था और यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। थोड़ा सा आपको रिकैप करने के लिए सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, फील कर पाओ। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, फील करना। जब चीज़ों को आप फील करते हो ना तो आपको मज़ा आता है और फिर उस चीज़ को आप भूलते नहीं हो, जब उसका एहसास आपके मन में बैठ जाता है। तो जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो न्यूज़ अपडेट्स होते हैं वो बेसिकली इस प्लेलिस्ट में ऐड होते हैं, ये प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हो। बाकी जो जनरल स्टेचुटरी ऑर्डर है, जैसे मैं आज ये स्टेचुटरी ऑर्डर डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा और इस टाइप की जो भी वीडियो आती हैं इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, तो आप विजिट कर सकते हो। जो पुरानी वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हो। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने पहली बार दर्शन दिए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी ये आपके लिए ग्रुप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। एजुकेटिंग टुडे फॉर बेटर टुमारो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा फोकस इधर ही होना चाहिए, तभी आप चीजों को फील कर पाओगे। सीएमबीआर का जो चैप्टर 8 है, बेसिकली ये बात करता है ऑफेंस, पेनल्टी एंड प्रोसीजर के बारे में। इसके बाद सीएमबीआर में एक चैप्टर ऐड कर दिया गया, चैप्टर 9। इस चैप्टर का नाम है एग्जामिनेशन ऑफ गुड समेरिटन एंड इंक्वायरी। अगर कोई गुड समेरिटन है तो उसका एग्जामिनेशन या इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे होगा, इसको इंसर्ट किया गया है। ये बेसिकली जीएसआर है। इससे पहले आप सभी को पता है कि जो सेक्शन है 134A, इसको ऐड किया गया था मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के अमेंडमेंट 2019 में इसको ऐड किया गया था। और ये चैप्टर अभी जीएसआर के थ्रू इंसर्ट किया गया है आपके सीएमबीआर में। यहां पे बेसिकली दो रूल इंसर्ट किए गए हैं। पहला जो रूल है दैट इज 168, जो बात करता है गुड समेरिटन के राइट्स के बारे में। कौन से गुड समेरिटन के राइट्स के बारे में, जिसको डिफाइन किया गया है हमारे सेक्शन 134A, जिसकी मैं यहां पे बात कर रहा था कि गुड समेरिटन कौन होता है। तो पहला जो इसका सब रूल है, क्योंकि ये रूल है तो इसे हम कहेंगे सब रूल, तो इसका जो सब रूल 1 है, यहां पे कहा गया है कि अगर कोई गुड समेरिटन है तो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, कास्ट और सेक्स। यहां पे ध्यान देना, एक वर्ड है नेशनैलिटी, इसका मतलब यह है कि अगर किसी दूसरे देश का आदमी भी हमारे देश में किसी एक्सीडेंट के केस में किसी का हेल्प करता है तो वो भी गुड समेरिटन होगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये तो इंडियन है ही नहीं,
तो इसको गुड समेरिटन नहीं कहा जाएगा। बाकी आपकी कास्ट कुछ भी हो, आप मेल हो फीमेल हो, आपका रिलीजन कुछ भी हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हालांकि ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, आप बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क बनाते हैं कि जब रूल्स लिखा जाता है तो ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, बट डिस्क्रिमिनेशन होता है। देखिए रूल के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट आदमी की मेंटेलिटी है डिस्क्रिमिनेट करने की, तो वो करेगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपको मोरल ग्राउंड उठाना पड़ेगा और उसके लिए कोई लॉ कोई बुक कोई रूल्स नहीं काम करता है। वो डेफिनेटली वो मोरल ग्राउंड होता है, आदमी की परवरिश होता है, उसके हिसाब से वो करता है। जो आपका सेकेंड सब रूल है, गुड समेरिटन अगर पुलिस को इन्फॉर्म करता है किसी एक्सीडेंट की केस में, या फिर जो इंजर्ड आदमी है उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, उसको एडमिट करता है, तो हॉस्पिटल अथॉरिटी या फिर पुलिस कोई भी उसको फर्दर वहां पे रोक नहीं सकता है। अगर वो जाना चाहता है तो वो कह रहा है मैंने एडमिट करवा दिया, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, अब मैं जाना चाहता हूं, तो हॉस्पिटल ये नहीं कह सकता कि नहीं पुलिस आ रही है आप वेट कर लो उसके बाद जाना, या पुलिस ये नहीं कह सकती कि मैं आ रही हूं वेट करो उसके बाद जाना, आपसे इंक्वायरी करनी है पूछना है कुछ, कोई भी कुछ भी ऐसा पूछ नहीं सकता, इमीडिएट वो जा सकता है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी उसकी। जो इसका सब रूल थ्री है, नो पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन, पुलिस ऑफिसर हो या फिर कोई दूसरा आदमी है, कोई भी जो गुड समेरिटन है उसको कंपेल नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि तुम अपना नाम बताओ, तुम अपनी आइडेंटिटी बताओ, तुम अपना एड्रेस बताओ, पर्सनल डिटेल दो हमें। हॉस्पिटल भी डिमांड नहीं कर सकता, पुलिस भी डिमांड नहीं कर सकता, जिसको आपने एडमिट किया वो डिमांड नहीं कर सकता, या दूसरी कोई एजेंसी उसमें इन्वॉल्व है, चाहे जैसे इंश्योरेंस कंपनी आ गई, कोई भी आपसे कोई डिमांड नहीं कर सकता कि आप दो। प्रोवाइडेड दैट, यहां पे कहा गया कि प्रोवाइडेड मतलब ऑल्दो, अगर गुड समेरिटन खुद चाहता है, वॉलंटरीली चाहता है, उसकी इच्छा है, वो डिस्क्लोज करना चाहता है, तो वो खुद से अपना नाम एड्रेस जो भी पर्सनल डिटेल है अगर वो पुलिस ऑफिसर को देना चाहता है तो दे सकता है, बट पुलिस ऑफिसर इसके लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता। प्रोवाइडेड दैट फर्दर, प्रोवाइडेड दैट दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट फर्दर, अगर मान लीजिए कोई गुड समेरिटन अच्छे फेथ में किसी पुलिस ऑफिसर को अपना नाम आइडेंटिटी एड्रेस ये सारी चीजें बता देता है, तो इसके बाद पुलिस ऑफिसर ये कंपेल नहीं कर सकता, या फिर उसको ये नहीं कह सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि तुम आई विटनेस बन जाओ, तुमने देखा एक्सीडेंट हुआ है तो चलो इस केस का तुम आई विटनेस बन जाओ और जो फर्दर इंक्वायरी है उसमें हमारी हेल्प करो, ऐसा वो नहीं कर सकते। ये टोटली डिपेंड करता है कि अगर वो आई विटनेस बनना चाहता है तो बनेगा, नहीं चाहता है तो नहीं बनेगा, बस अपना एड्रेस पता बताएगा और चला जाएगा। जो इसका सब रूल फोर है, ये ध्यान देना, ये जो वर्ड होता है मैक्सिमम जगह लिखा मिलता है आपको लॉ की बुक में, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग ऑप्टेन इन एनी अदर लॉ। ये कह रहे भैया किसी लॉ में, भारत के किसी भी लॉ में कुछ भी मेंशन किया गया हो जो पर्टिकुलर इस एक्सीडेंट के टाइम पे अप्लाई होता हो, यहां पे दूसरे लॉ लग रहे हो, कहीं पे कुछ भी मेंशन किया गया है जो गुड समेरिटन है, जो एक्सीडेंट के केस में किसी को हॉस्पिटल लेके आया है या पुलिस को इन्फॉर्म किया है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। अब किन किन चीजों के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता वो हम देखते हैं। पहली चीज कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी मेडिकल लीगल केस के लिए या लीगल फॉर्म के लिए जो हॉस्पिटल वाले भरवाते हैं, ये नहीं कह सकते कि भैया ये लीगल फॉर्म है आपको भरना पड़ेगा तभी हम इस आदमी को एडमिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ऐसा हॉस्पिटल वाले मांग नहीं सकते आपसे। नहीं, जिसको आप लेके गए हो डिनाई कर सकते कि एक्सीडेंट की केस है इसलिए हम नहीं लेंगे, बिल्कुल उनको एडमिट करना पड़ेगा और बिना आपका नाम पता नेम पूछे हुए। सेकेंड जो है, फुलफिल ऑफ एनी प्रोसीजर रिलेटेड टू द एडमिशन ऑफ इंजरी पर्सन और विक्टिम और एनी हॉस्पिटल, जैसे मैंने आपको बता दिया किसी भी पर्पज के लिए आपसे कुछ भी पर्सनल डिटेल नहीं मांगा जाएगा। आपको कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस वियर नहीं करना, हॉस्पिटल आपसे एक रुपया मांग नहीं सकता, अगर मांगेगा तो ये क्राइम है, कोई भी हॉस्पिटल आपसे कोई किसी भी तरीके के पैसे का डिमांड नहीं कर सकता है। अब यहां पे भी प्रोवाइडेड देके गया है कुछ, ये आप ध्यान से देख लो, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ गुड समेरिटन, मतलब जो अच्छा आदमी है जो दूसरे का हेल्प कर रहा है, अगर वो वॉलंटरीली चाहता है कि अपना नाम बताना तो बता सकता है, अगर वॉलंटरीली वो नाम बताता है तो हॉस्पिटल जो होगा उस चीज को एक्नॉलेज करेगा, इस आदमी को अपने हॉस्पिटल के ऑफिशियल लेटर पैड में ये लिख के देगा कि ये पर्टिकुलर आदमी है जो हमारे यहां इस आदमी को एक्सीडेंट के केस में लेके आए हैं,
तो ये तरीका क्या हो गया, एक्नॉलेज करने का, मतलब आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है कि आपने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ किया है। और बेसिकली इसका यूज किया जाएगा, जैसे इससे पहले मैंने डिस्कस किया है ना कि गुड समरिटन अवार्ड होता है, तो वहां पे आप इन चीजों को एज ए डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो कि मैंने भी एक्सीडेंट के केस में लोगों का हेल्प किया है, जिससे गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज करेगी, आपको अवार्ड दिया जाएगा अगर आप उसके लायक हो तो, डेफिनेटली अगर आपने ऐसा काम किया है तो। नेक्स्ट यहां पे एक प्रोवाइडेड और ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर गुड समरिटन हु विटनेस ऑफ एक्सीडेंट। मान लीजिए कोई गुड समरिटन है और विलिंगली वो बन गया कि चलो मैं आईज विटनेस बन गया हूं इस केस का, विलिंगली बना है वो, अपने मन से मद से बना है, जैसे मैंने पहले भी कहा उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो विलिंगली बन गया वो आईज विटनेस। इन एडिशन टू हिज नेम एड्रेस ऑल्सो इंडिकेट इन द विलिंगनेस टू बिकम आईज विटनेस इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस। अगर वो चाहता है, आईज विटनेस बन गया, फर्दरली वो चाहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसमें हेल्प करे, तो ये भी उसकी वॉलंटरी विलिंगनेस है। अगर वो चाहता है कि उसका नाम लिया जाए कहीं पे, अगर वो चाहता है उसकी आइडेंटिटी बताया जाए कहीं पे, तो ही आप उसको यूज कर सकते हो, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसका यूज कर सकता है, बाकी विदाउट उसके परमिशन का यूज नहीं होगा। मतलब सारी कुछ उसके इच्छा के ऊपर है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसमें हेल्प करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, आईज विटनेस वो बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। नेक्स्ट जो इसका सब रूल है, एवरी पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, ध्यान देना, पब्लिक और प्राइवेट मतलब जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सभी जो गुड समरिटन के राइट्स होते हैं अपने मेन गेट पे या फिर ऐसी कोई प्राइम लोकेशन हो जहां पे इजिली वो दिख पाए, विजिबल हो, प्राइम लोकेशन पे गुड समरिटन के जो भी राइट्स हैं इंग्लिश हिंदी में या फिर वहां के जो लोकल लैंग्वेज है उसमें प्रिंट करेंगे, मतलब लगाएंगे, सबको लगाना है। अब आप विजिट करके देख सकते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं लगा होगा, प्राइवेट की तो क्या ही बात करें। नेक्स्ट जो आपका रूल है 168 आपके राइट्स के बारे में था कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आपको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं अगर आप किसी के हेल्प करते हो तो। अब सेकेंड जो है कि एग्जामिनेशन ऑफ गुड समरिटन, अगर मान लीजिए कोई गुड समरिटन है वो आईज विटनेस बनने के लिए तैयार हो गया, तो उसका एग्जामिनेशन, उससे पूछताछ किस तरीके से होगी उसके बारे में बताया गया है। अगर वो नहीं बनता है तब तो उसका एग्जामिनेशन ही नहीं होगा। अगर वो कहता है मैं तो कोई विटनेस ही नहीं बनूंगा, मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं, मैं तो जा रहा हूं अपना नाम भी नहीं बताऊंगा, तब उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर वो विलिंगली बन गया तो कैसे होगा, इसका जो फर्स्ट क्लॉज है मतलब जो सब रूल वन है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्ररी कंटेंड इन एनी अदर लॉ। अगेन इसकी मीनिंग वही है कि कहीं पे कुछ भी मेंशन किया गया हो, कहीं पे कुछ भी लिखा गया हो, इफ द पर्सन इज वॉलंटरली एग्री टू बिकम अ विटनेस इन द केस विच ही हैज एक्टेड एज अ गुड समरिटन, ही शैल बी एग्जामिन्ड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस रूल। उसको एग्जामिन किया जाएगा यहां पे जो प्रोविजन दिया गया है इसी के हिसाब से। बाकी किसी लॉ में क्या मेंशन किया गया है, किस हिसाब से एग्जामिनेशन होगा, सपोज करो बाकी लॉ में यह मेंशन किया गया है कि जहां पे पुलिस स्टेशन है वहां पे एग्जामिनेशन होगा, आपको कोर्ट में आना पड़ेगा क्वेश्चन करने के लिए, वो सारे लॉ यहां पे नहीं लगते हैं भैया। यहां पे जो मेंशन किया गया है उसी के हिसाब से एग्जामिनेशन होगा। तो उसका जो सेकेंड सब क्लॉज है या सब रूल है उसमें क्या मेंशन किया गया है, किस हिसाब से होगा, मतलब जो गुड समरिटन का पहली चीज है एग्जामिनेशन जो होगा वो गुड समरिटन के कन्वीनियंस के हिसाब से होगा। वो जहां चाहता है वहां होगा, वो जिस टाइम पे चाहता है वहां पे होगा। ध्यान देना इस वर्ड पे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेल अकॉर्डिंगली टू ड्रेस्ड इन द प्लेन क्लॉथ। आपको पता होगा कि अगर आपके घर में पुलिस वाले आ जाएं, भले अच्छे काम के लिए आए, चाय पीने के लिए आ जाएं, फिर भी लोग कहने लगते हैं यार उसके घर में पुलिस वाला गया है। तो अगर गुड समरिटन चाहता है कि कुछ किसी भी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करना है, मुझसे कुछ पूछना है, और वो सिविल ड्रेस में आए, तो भैया उसको सिविल ड्रेस में ही जाना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन करने, वो अपनी वर्दी पहन के गन लेके तामझाम करके नहीं जा सकता। इससे सोसाइटी में वो मतलब डिफेम ना हो, कोई गलत मीनिंग ना निकाले, इसलिए प्रोटेक्शन। इसलिए मैं कह रहा था कि देखो कितना ध्यान देते हैं लोग, यहां तक कि कपड़ों पर ध्यान दिया गया है। मतलब इन शॉर्ट सबको पता है कि पुलिस वाले कहीं पे जाते हैं तो लोग अच्छा के जगह बुरा ही सोचते हैं। खैर पुलिस वाले अगर कोई देख रहे हैं भैया आप बुरा मत मानना, कह रहा हूं ये पब्लिक ओपिनियन है। अब आप लोग बनाए हो, पब्लिक खुद बनाई है, आप जानो और पब्लिक जाने, हम भी हैं, हमसे पूछा जाएगा तो हम भी बताएंगे कैसे बना है।
प्रोवाइडेड दैट गुड समरिटन मे चूज हैव हिज एग्जामिनेशन डन एट पुलिस स्टेशन। अगर कोई गुड समरिटन वो कहता है ठीक है मैं पुलिस स्टेशन आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दूंगा, तो ठीक है वो रिकॉर्ड करवा देगा। अब ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्ड करवाने चला गया और जो थाना अध्यक्ष साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, वो मजे में चेयर पे बैठे हुए हैं, चाहे बोल दिया गया कि आप वेट करो कहीं गए हैं। नहीं भाई, अगर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने गया है, आपको बता देगा मैं इस टाइम पे आऊंगा, तो इस टाइम पे जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसको वहां पे मतलब होना होगा बाउंड मैनर, टाइम बाउंड मैनर, विदाउट कॉजिंग अनड्यू डिले, मतलब बेवजह डिले नहीं करना है। अब मान लीजिए उसी टाइम पे थाना में आग लग गई तो अलग बात है, तब तो डिले होगा ही, मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसको मतलब हटाया नहीं जा सकता है तो डिले हो गया, बट जो इंस्पेक्टर साहब हैं अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं। और ये जो एग्जामिनेशन है ये एक ही बार में होगी, ऐसा नहीं थाना अध्यक्ष साहब बार बार उसको बुला रहे हैं, चलिए आज आपका स्टेटमेंट ये हो गया, कल फिर आ जाओ भाई, एक चीज बच गया था परसों फिर आ जाओ, ऐसा वो नहीं कर सकते भाई। एक बार जो पूछना है पूछ लो, वो भी वो अपने मर्जी से आया है बताने के लिए, चाहेगा कि मैं नहीं बताऊं तो नहीं बताएगा। नेक्स्ट जो रूल है इसका, इन केस ऑफ गुड समरिटन स्पीक द लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो समझ सकता है, तो जो लोकल लैंग्वेज है जिसमें वो बोल रहा है उसके लिए ट्रांसलेटर या जो भी समझाने वाला है उसका अरेंजमेंट करना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट जो है सब क्लॉज 4, इन केस ऑफ गुड समरिटन हैज वॉलंटियर्ड टू बिकम आईज विटनेस ही शैल बी परमिटेड टू गिव हिज एविडेंस ऑफ डेविड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 296। सीआरपीसी का जो सेक्शन है 296, इसको आप पढ़ोगे तो मतलब यहां पे ये है सिंपल चीज कि अगर आप अपना स्टेटमेंट एफिडेविट पे रिकॉर्ड करके देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप बोल के रिकॉर्ड करवाओ या कुछ भी, आप एफिडेविट देना चाहते हो तो आप इजीली एफिडेविट के थ्रू दे सकते हो और वो भी एक स्टेटमेंट माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द एफिडेविट ऑफ गुड समरिटन फाइल शैल बी ट्रीटेड एज द कंप्लीट स्टेटमेंट, इसी को गुड समरिटन का कंप्लीट स्टेटमेंट माना जाएगा और इसको जो रिकॉर्ड किया जाएगा अगेन इसको भी सिंगल डे में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ध्यान रखना भाई, यहां पे आपको मजा ही आ जाएगा, गजब, मतलब आपको फील होगा यार कि कितना पावर दे दिया गुड समरिटन को। यहां पे इतनी सारी चीजें लिखा गया है बट मैं बता देता हूं, सम टाइम क्या होता है कि हमको लगता है कि एंड ऑफ द जस्टिस देखें तो जब तक जो आदमी आईज विटनेस है अगर उसका हम सामने से स्टेटमेंट नहीं लेते हैं या फिर कोर्ट में स्टेटमेंट नहीं लेते हैं तब तक ऐसा लगता है यार कुछ अधूरा अधूरा सा है, पूरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि पेपर पे वो क्या कहना चाह रहा है या फिर किसी तीसरे से क्या कहा है, फिर उसने कोर्ट को क्या कहा, इस तरीके से कई बार जब चीजें एक्सचेंज होती हैं तो उसमें बदलाव हो जाता है। तो अगर कोर्ट को लगता है यार कि नहीं आपको सामने से बताना चाहिए ताकि हमें पता चल पाए या जस्टिस कंप्लीट नहीं हो पा रही आपके बिना, उस केस में क्या है जो हमारी सीआरपीसी है, जो सीआरपीसी की धारा 284 है वो कहती है कि कोर्ट रिकमेंड कर सकती है जनरल केस में कि जो विटनेस है उसको कोर्ट में आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है, मतलब कोर्ट में आके गवाही दे वो। बट यहां पे अगर हम गुड समरिटन की बात करें तो यहां पे जो मजिस्ट्रेट है या कोर्ट है वो ऐसा नहीं करके एक कमीशन बना सकते हैं, वो एक कमीशन बना सकते हैं जो कमीशन गुड समरिटन को एग्जामिन करेगा, उसका स्टेटमेंट देखेगा। अब ये जो कमीशन वाली बात है ना, ये ध्यान देना, ये कमीशन कोर्ट किस केस में बना सकती है, गुड समरिटन के केस में। अगर आप सीआरपीसी की जो सेक्शन है 284 पढ़ोगे तो वहां पे मेंशन किया गया है कि बाकी जितने भी लोग हैं सबको कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है विटनेस को कि आप आके कोर्ट में अपनी गवाही दो, एक्सेप्ट देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर किसी स्टेट के या किसी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट नहीं कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब यूनियन टेरेटरी के गवर्नर, ठीक है, उन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं क्योंकि वो सेंट्रल यूनियन टेरेटरी है, इसलिए जैसे दिल्ली हो गया आपका, कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, ऐसे बहुत सारी यूनियन टेरिटरी हैं, सबके क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बेसिकली उनका नाम है। आप सोच के देखो कि एक गुड समरिटन को इतना पावर दिया गया है कि जो प्रोसीजर एग्जामिनेशन का हमारे प्रेसिडेंट के लिए है, जो प्रोसीजर हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, गवर्नर के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, वही प्रोसीजर आपके लिए भी लगाया जाएगा, मतलब आप एक स्पेशल कैटेगरी में ट्रीट किए जाओगे, कोर्ट आपसे ये नहीं कहेगी कि भैया तुम आ जाओ कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दो। वाह, मजेदार चीज है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये कहा गया है कि मान लो कई बार क्या होता है कि गुड समरिटन के पास ठीक है बुक में राइट तो दे दिया गया बट पुलिस वाला जो है वो आप जानते हो कैसे हड़काते हैं लोगों को, कैसे किस तरीके से डराते हैं, परेशान करते हैं, हरास करते हैं,
अब कोई पुलिस वाला भाई देख रहा है तो मैं स्पेशली आपको नहीं कह रहा हूं, बट ये सच है, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है कि जो भी एग्जामिनेशन होगा वो अंडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, मतलब वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा उसके पूरे एग्जामिनेशन का, ताकि कोई भी पुलिस वाला गुड समरिटन को हरास ना कर पाए। अगर वो आईज विटनेस बना है उसको ऐसा फील ना हो कि यार आई विटनेस बन के मैंने तो गलती कर दिया, मुझे बनना ही नहीं चाहिए था, ये फीलिंग ना आए उसके अंदर, ताकि दूसरे लोग भी प्रमोट हो कि वो आके जो केस है उसके इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करें। उम्मीद करता हूं आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सकता है कोई दूसरा भी देख रहा होगा, मैक्सिमम इस चैनल पे इंजीनियरिंग के लोग हैं, बट आपको लॉ की लैंग्वेज पढ़ के मजा आई होगी। मुझे तो पर्सनली जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे बहुत मजा आ रहा था पढ़ के कि कितनी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है जो लोग लिखते हैं। खैर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और चीजें इसमें ऐड या सब्सक्राइब होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।